नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज। समर्पण की गोद में खिल उठा गंजास शीर्षक से ग्रामीण चहल पहल में छपी स्टोरी की लाइनें हमें बार बार याद दिलाती है। करुणा की दया, सेवा, सहयोग और समर्पण की अमीट छाप छोड़ने वाले एक चिकित्सक जो दवा के साथ दुआ भी देता है। गरीबों की इलाज, दिव्यांग, बुजुर्ग और अक्षम लोगों को निःशुल्क इलाज करने वाले डॉक्टर संकेत नारायण आज भी लाखों लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर एस के नारायण क्या कहते हैं। ही पहनते हैं इसलिए जूता आपके लिए, ये जूता प्रधानाचार्य के हाथों ले रहे हैं और खुशी हमको हो रही है। और निश्चित रूप से आप लोगों के जाने से और जाने से मेरे पिताजी और माता जी की आत्मा को शांति मिली होगी ना। उनकी कृपा से जो मेरे वहाँ पहुँच गया। देखिए, हम ऐसी स्कूल में गए, 18 रूप जीना हमने देखा। माता पिता गुरु का आशीर्वाद जब प्राप्त हो जाएगा तब यह पूर्ण हो जाएगा। जगह पर हमारे चिंता लोग पहुँच जाते हैं तो इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। और हम वहाँ बैठे बैठे अपने पिताजी माता जी को धन्यवाद दे रहे थे यह दिन देखने को मिल रहा है। आपकी सहमति से एक कार्यक्रम में रखती हूँ। आप इस जैसे काम संपन्न हो जाता है पूरे बटालियन जोर से जाए। आपके समर्पण संस्था के द्वारा सर लगातार लोगों को कल्याण के लिए आप वितरण करते हैं या अपनी कमाई के अधिकांश हिस्सा जो है आप गरीबों में देते हैं। सर आज भी कुछ लोगों को आप दे रहे हैं, उनका मतलब किन किन माध्यम से या आपका थीम क्या है जुड़े डॉक्टर संकेत नारायण की कहानी दास्तान लिखती है जो हमको बहुत पहले से भारतीय संस्कृति के अनुसार हम लोगों ने सीखा है, जाना है और उस पर अमल भी किया है और इसीलिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज उसकी थोड़ी बहुत कमी हम महसूस कर रहे हैं इसलिए वैसा करना वाजिब लग रहा है। मालिक ने हमें इंसान बनाया, हमने उसे यहाँ हिंदू या मुसलमान बनाया, हमने उसे गरीब या धनवान बनाया, हमने उसे ऊंच या नीच बनाया, ये वाजिब नहीं है। मालिक ने हमें सिर्फ दो जाति बनाकर पैदा किया, एक स्त्री एक पुरुष, और हम अनेक जातियों में बढ़ते चले जा रहे हैं। यह सामाजिक विषमता का एक मुख्य कारण है, उसको हमें दूर करना होगा भारतीय संस्कृति को आधारित करते हुए। दूसरा, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, तो भारत पुनः सोने की चिड़िया बने। किसी से हालचाल पूछ लेने में और किसी के प्रति कुछ श्रद्धापूर्वक कर देने में हमारा बहुत समय भी नहीं जाता और ना ही वाजिब हमारा हमको कोई खर्च होता है, तो हम इसको कर सकें और यही भारतीय संस्कृति है। तीसरा जो हमारा सोच है, हर व्यक्ति को नशा करना चाहिए लेकिन दारू का, तारी का, खैनी का, पान का नहीं करना चाहिए। नशा हो तो इंसानियत और मानवता का, और तभी भारत पुनः सोने की चिड़िया बन सकेगा, ऐसा मेरा सोच है। समर्पण के माध्यम से जो भी कार्य हो रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि ये कर देने से, किसी को एक कप चाय पिला देने से या कुछ खिला देने से उसका जीवन में सब कुछ पूरा हो जाएगा। सिर्फ एक संदेश देने का काम हम कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे सर कि आपके माध्यम से कौन कौन से योजना अभी चल रहे हैं और
क्योंकि आपके यहाँ गंजास गांव को आपने गोद लिया है, तो वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल रही है? वहाँ चिकित्सा सुविधा निःशुल्क हम देते हैं उनको जी, और चिकित्सीय कार्य जो भी होता है, दवा या उनको परामर्श देना ये होता है जी। उनके पढ़ाई लिखाई की, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हम कर रखे हैं जी। और जो आते हैं उनको हम करते भी हैं। महीना के अंतिम तारीख को कुछ विकलांग हैं या कुछ विधवाएं हैं, उनको हम 300 रुपये प्रति माह पेंशन भी देते हैं, पेंशन के रूप में भी। और कुछ मानवीय संवेदना को आधारित करते हुए कुछ कार्य इस प्रकार से हो रहे हैं जिससे समाज के उन व्यक्तियों को लाभ मिले जिनका इस धरती पर ईश्वर के अलावे शायद कोई नहीं है। मानव जीवन अतुलनीय है, अनमोल है, चाहे गंजास को लेके हम करें, चाहे हम स्टेट बैंक के इन अधिकारी को लेके करें, चाहे हम आपको लेके करें, लेकिन मानव जीवन चाहे जिस किसी का भी हो अतुलनीय है, अनमोल है, पैसे से उसका कोई कीमत नहीं है। अभी सामने एक मंदिर की चर्चा चल रही थी सर, इस पे। हाँ, तो अभी समाज में कुछ आध्यात्मिक तरीके से भी जुड़ाव अगर ना हो तो लोगों की भावना ना बदलती है, और लाख चिल्लाते रहें मंदिर पर बैठ के चिल्लाएंगे तो शायद लोग सुन लेंगे हमारी बात, लेकिन हम सड़क पर चिल्लाएंगे तो नहीं सुनेंगे। तो भारतीय संस्कृति में ये अध्यात्म भी एक मायने रखता है, और उसी अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए रामशिला में कुछ रोगियों का वास है जहाँ 98% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। उनका भी मस्जिद टूटा हुआ था, सामुदायिक भवन नहीं था उनके पास, उसको भी बनवाने का काम इसी टेबल से हमने किया। और उसके बाद चले इधर तो एक शिव मंदिर का निर्माण हो गया, आप जाइए पूजा पाठ करिए, थोड़ी देर शांत रहिए। सामने एक हनुमान मंदिर भी बन गए, उसके बगल में एक पार्वती मंदिर, एक राम जानकी और राधा कृष्ण बन गए, और पीछे साइड में थोड़ा जगह हमारे पास था तो एक शेड बनवा दे रहे हैं जिसमें शादी विवाह भी आप कर सकते हैं, बैठ के प्रवचन भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, और उसमें कुछ लोग यात्री जो हमारे पितृपक्ष में आने जाने वाले हैं उनको भी सुविधा हो, वो बैठ के अपना विश्राम करें, खाना बनावें, खाएं, चले जाएं। धर्मशाला की तरह एक वृद्धाश्रम की योजना हमारी है, वो चल रही है छोटे पैमाने पर वृद्धों के लिए के सम्मान में। एक अनाथालय भी है जो अनाथ बच्चों के लिए समर्पित है। एक छोटा सा विद्यालय भी है जो वर्षों से चल रहा है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ मर्यादा की पढ़ाई करते हैं, वो किताबी पढ़ाई कम करते हैं। भारतीय संस्कृति कहाँ पे चले थे? वहाँ गोलबीघा में जी। हाँ, अभी तो जगह बदलने से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। एक रामशिला में भी चल रहा था हमारा, वहाँ भी भवन गिर गया है इसलिए थोड़ी परेशानी है, लेकिन उसी में मिला जुला के चल रहा है। वहाँ सिर्फ रामशिला में कुछ रोगियों के बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ सभी तरह के जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। चिकित्सा के सेवा में क्षेत्र में आप किन किन चीज़ों पर ये दे रहे हैं, कब से कब तक बैठते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आपको जानना चाहते हैं, और भारत के कई राज्यों से भी आपसे लोग संपर्क करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हम यहाँ बिल्कुल कम लेकर अधिक से अधिक हम देने का प्रयास करते हैं। पिताजी का आदेश था कि कम लेकर अधिक से अधिक देना ही मानवता की सर्वोपरि कसौटी है, तो उसके तहत उनका उस पर अमल करते हुए हम विधवाओं को निःशुल्क देखते हैं, विकलांग को निःशुल्क देखते हैं, जो 75 वर्ष के बूढ़ा बूढ़ी हमारे चौथापन में जा चुके हैं उनको उनसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं, फ्री देखते हैं, और दलित महादलित जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें भी हम फ्री देखते हैं, पत्रकार कलाकार और साहित्यकार को भी हम फ्री देखते हैं, निःशुल्क उनकी सेवा होती है। और जो भी यहाँ हमारे संबंध बना हुआ है जुडिशियरी से, तो वकील समुदाय से भी जो लोग आते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो या उनका प्यून हो, उनको भी हम निःशुल्क करते हैं। और समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो जनहित में है, उन्हें भी हम निःशुल्क देखने का समझने का प्रयास करते हैं। ये क्रम विगत कई वर्षों से चल रहा है, और इसमें लाखों लोगों को लाभ भी मिला और आगे मिलने की उम्मीद भी है। ईश्वर की मर्जी और कृपा रही तो इसे और भी हम लोग बेहतर कर सकेंगे। 19 दिसंबर को हम 7 आदमियों को सम्मानित भी करते हैं पुरस्कार देकर, आदित्य नारायण निशु स्मृति पुरस्कार। प्रत्येक महीने हम 300 रुपया जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवाएं हैं या विकलांग बच्चे हैं उनको हम आर्थिक मदद करके 300 रुपया प्रति माह देते भी हैं, और बीच बीच में भी कोई आते हैं, हर साल
दो से तीन लड़कियों की शादी भी हम संपन्न कराते हैं अपने माध्यम से, और इसमें हम शारीरिक रूप से तो विकलांग हैं और मेरी कमाई का यही जरिया है, फिर भी हम अभी तक किसी से कुछ कंट्रीब्यूशन डोनेशन भी नहीं लेते, बिल्कुल अपनी कमाई को ही हम शुद्ध रूप से लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो सेवा दे रहे हैं, आप गया की धरती पे मौज की जो धरती कहलाती है बोध गया और गया के नाम से जो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, आप वाकई यहाँ पे एक अनुकरणीय योगदान दे रहे हैं। समाज सेवियों में आपकी शुमार नाम गर्व से लोग लेते हैं, और यहाँ ही नहीं पूरे भारत ही नहीं कई देशों में भी आपका नाम शान से लिया जाता है। आपकी इस कृति के लिए, आपके इस कार्य के लिए मैं अपनी ओर से आपको सैल्यूट करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा, आपकी श्रद्धा, माँ का आशीर्वाद, इस बदौलत ही सब कुछ संपन्न हो रहा है। आगे और बेहतर कर सकें हम पूरी उम्मीद के साथ करते हैं, और बेहतर कर सकेंगे। ओके, थैंक यू सर। और कोई है इनके हाथों लीजिए, के साथ गंजी भी आपके साथ है, और भी आपके साथ है, ही पहनते हैं इसलिए कुर्ता आपके लिए, ये कुर्ता प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के हाथों ले रहे हैं, और खुशी हमको हो रही है, और निश्चित रूप से जाने से मेरे पिताजी और माता जी की आत्मा को शांति मिली होगी ना। इसको पहाड़ का प्रसाद नहीं, इसको ऋण समझ के मत नहीं, उनकी कृपा से जो मेरे पहुँच के देखिए हम माता पिता दोनों का आशीर्वाद जब प्राप्त हो जाएगा तब यह बड़ी बहुत रखे ना, बहुत अच्छा लगा आपको, इससे खुशी की बात नहीं हो सकती, और हम वहाँ बैठे बैठे अपने पिताजी माता जी को धन्यवाद दे रहे थे, यह दिन देखने को मिल रहा है, इसलिए इसे स्वीकार, यह हमारी शुभकामना है, भारतीय संस्कृति के आधार पर अच्छा। इसी क्रम में जैसी हमारी दबेल हो जाती है तैयार, तो आपकी सहमति से एक कार्यक्रम में रखती हूँ, आप इस जैसी काम संपन्न हो जाता है और पूरे बटालियन आपकी ओर से जाए, पूरे बटालियन रहेंगे वहाँ पर, और जो भी हमको इसकी सूचना मिल जाएगी, हम सच मानिए हम तीन रोज के लिए अपना क्लिनिक बंद करके आपके दरवाजे पर ही बैठे रहेंगे। हमको इतनी खुशी हो रही है, प्रिंसिपलो साहब के ले लेंगे अच्छी बात है, ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।